हमारे माइंड में दो तरह के थॉट्स ज्यादातर दौड़ते रहते हैं, और जितना हम जिस थॉट को प्रायोरिटी देंगे वो थॉट्स उतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है। सपोज अगर हम नेगेटिव थॉट्स को ज्यादा केयरिंग देते हैं, लाइक उनको ज्यादा फूड देते हैं, लाइक उनको ज्यादा से ज्यादा न्यूज नेगेटिविटी देखते हैं, नेगेटिव कमेंट्स पढ़ते हैं, नेगेटिव लोगों से बात करते हैं, नेगेटिव सोचते हैं और नेगेटिव चीजों को देखते हैं, उससे क्या होता है वो नेगेटिव पावर ज्यादा ज्यादा स्ट्रांग होती जाती है। उसी तरह अगर हम अपनी पॉजिटिव थॉट्स को ज्यादा फूड प्रोवाइड कराते हैं तो वो ज्यादा ज्यादा मजबूत और स्ट्रांग बनता जाता है। उससे लव की जरूरत होती है, अच्छी नॉलेज की जरूरत होती है, अच्छे लोगों की, अच्छे पॉडकास्ट सुनने की, अच्छी जैसी वीडियो देखने की, इन तरह की। जितनी ज्यादा हम पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन अपने अंदर डालते हैं उतना ज्यादा हमारा पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग होता जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण और आज मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है नेगी बुक्स लवर। और आज मैं जिस बुक की समरी आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो बेसिकली एक सेल्फ हेल्प बुक है और क्लासिक बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, अभी तक की बेस्ट टू बेस्ट बुकों में से एक है। बट बहुत ही ज़्यादा पतली है और बहुत ही ज़्यादा छोटी है, और इसे आप एक दिन में और अपनी एक सिटिंग पे बैठते ही उसमें से जितनी भी नॉलेज एक्वायर कर सकते हो वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो। तो मैं ज़्यादा आपको बोर ना करते हुए उस बुक का नाम बताता हूँ। उस बुक का नाम है एज अ मैन थिंक्स बाय जेम्स एलन के द्वारा लिखी गई बुक है। ये बहुत ही ज़्यादा ऑसम बुक है अभी तक की। इसी बुक में से मैं आप लोगों के लिए चार पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। नंबर वन, थॉट्स एंड कैरेक्टर। हम सभी इंसान एक थॉट्स का एक मिश्रण होता है, जैसा हम सोचते हैं उसी तरह के कैरेक्टर हमारा डेवलप होता है। मान लो कि अगर आप किसी खेत में कुछ बो या ना बो, कुछ सीड या डालो या ना डालो, वहाँ कुछ ना कुछ उग के आ ही जाता है। उसी तरह हमारा माइंड में जैसा हम सोचते हैं वैसी चीज़ें डेवलप होती जाती है, चाहे हम इनडायरेक्टली कुछ सोचें या ना सोचें, उनमें कुछ ना कुछ चीज़ें डेवलप होती जाती हैं और हमें पता नहीं होता। इतनी फास्ट तरीके से हम सोच रहे होते हैं कि हमें खुद ही नहीं पता होता कि हम क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। हम इस पर कोई अपनी सोच, थिंकिंग और लॉजिकल चीज़ें नहीं लगा पाते। इस तरह से हमारा कैरेक्टर डेवलप होता रहता है जैसा हम सोचते हैं, चाहे हम जाने या ना जाने। तो इसकी प्रैक्टिस हमें किस तरह से करनी है कि हमें अच्छे थॉट्स किस तरह से डेवलप करनी है, जिस तरह हमें एक अच्छी बॉडी के लिए रोज एक डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है, एक कंसंट्रेट फोकस पावर की ज़रूरत होती है, रोज हमें वर्कआउट करने की ज़रूरत होती है और एक अच्छी डाइट को फॉलो करना पड़ता है कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, कब हमें वर्कआउट करना है कब वर्कआउट नहीं करना, ये सब चीज़ों की चीज़ें हमें ज़रूरत होती है। उसी तरह हमारे माइंड को भी एक कंसंट्रेट की ज़रूरत होती है, कब हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहा है, कब हमारे अच्छे विचार आ रहे हैं, वो सभी को हमें फोकस करना पड़ता है। नो आई नो ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, बट जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाते हो अपनी बॉडी को बनाने के लिए डंबल से और अच्छी एक्सरसाइज कर पाते हो, योगा कर पाते हो, उस तरह से आपकी बॉडी बनती रहती है। उसी तरह हमारे माइंड को भी एक प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते जाते हैं उतनी ज़्यादा हमारी वो जो माइंड के जो लेवल है, सोचने की क्षमता है, हमारे जो थॉट्स को देखने की क्षमता है, उसको हमें हम अच्छे से उन्हें देख पाते हैं, उन्हें समझ पाते हैं, और फिर हम अपने आप को एनालाइज कर पाते हैं कि ये थॉट्स मेरे लिए अच्छे हैं, ये थॉट्स बुरे हैं, तब हम पूरे अच्छे से फोकस कर पाते हैं। एंड ये है कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते जाओगे एक अच्छे लेवल पर पहुँचते जाओगे और ज़्यादा मिच्योर होते जाओगे। पॉइंट नंबर टू, इफेक्ट ऑफ थॉट्स ऑन सरकमटेंस। जिस तरह हमारा माइंड एक गार्डन की तरह होता है, जिस तरह अगर हम जिस तरह के थॉट्स उसमें डालेंगे उस तरह की थॉट्स और उस तरह के विचार हमारे अंदर से निकलते हैं। लाइक सपोज अगर हमारा माइंड एक गार्डन है, हम उसमें जिस तरह के फ्रूट्स, जिस तरह के फ्लावर्स उसमें उगाएंगे, उस तरह की उसमें अच्छी सुगंध, अच्छी फ्लावर्स, अच्छे फ्रूट्स हमें मिलेंगे। अगर हम उसकी देख रेख नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, वो एक तरह का जंगली पौधे उगाएंगे, उसमें खरपतवार उगाएंगे, जो कि हमारे माइंड के लिए, हमारे गार्डन के लिए शोभा नहीं देता है।
उसी तरह अगर हम अपने माइंड का जितनी टेक केयर करेंगे, जितने जिस तरह की नॉलेज, जिस तरह की खुशियां अपने अंदर डालेंगे, जिस तरह की नॉलेज हम एक्वायर करेंगे अपने आसपास के लोगों से, अच्छी बुक्स पढ़ के, उसी तरह से हमारा कैरेक्टर बनेगा। और कैरेक्टर जैसा जैसा हमारा बनता जाएगा, हमारी डेस्टिनी उस तरह की बनती जाएगी। तो हमें अपने थॉट्स को बहुत ही डीप लेवल पे और अच्छी तरीके से सिलेक्ट करके अपने माइंड में डालना चाहिए, जिससे कि हमारी डेस्टिनी अच्छी बनती जाए। पॉइंट नंबर 3, इफेक्ट ऑफ द थॉट्स ऑन हेल्थ एंड द बॉडी। हमारी जो बॉडी है वो एक तरह की सर्वेंट है हमारे माइंड की। हम चाहे उसे एक अच्छे डायरेक्शन दे सकते हैं या फिर उसे एक ऑटोमेटिक पायलट में छोड़ सकते हैं कि उसे जो करना है करने दो। मान लो कि दो लड़की होती है, एक का नाम होता है पिंकी, दूसरे का नाम होता है रिंकी। पिंकी जो कि अपने में मस्त रहने वाली होती है, कोई दुनिया से लेना देना नहीं है, अपने में मौज मस्ती करती है, खूब नेटफ्लिक्स देखती है, खूब पबजी खेलती है और काफ़ी अनहेल्दी फूड खाती है और घर पे पड़ी रहती है, कुछ काम नहीं करती, कुछ अपने बॉडी से वर्कआउट नहीं करती। और दूसरी जो रिंकी है वो अपनी बॉडी पे इतना काम करती है, अपने आप को हेल्दी रखती है, हेल्दी फूड खाती है, अच्छी चीज़ें पढ़ती है, अच्छी चीज़ें पॉडकास्ट सुनती है, बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यू पढ़ती है, उनसे कुछ ना कुछ नॉलेज एक्वायर करती है और अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव करती जाती है। तो आप किस लड़की पे ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे? ऑब्वियसली जो रिंकी है उसके ऊपर ना, क्योंकि वो अपने ऊपर अच्छा काम कर रही है, वो अपने ऊपर नॉलेज कर रही है, वो अपने ऊपर ग्रोथ करती जा रही है। तो उसी तरह हमारा जो माइंड है, हम जिस तरह की इंफॉर्मेशन, जिस तरह का डायरेक्शन अपने बॉडी को देते हैं, अपने माइंड को देते हैं, जिस तरह के नॉलेज अपने आप को देते हैं, उस तरह से हमारी हेल्थ, हमारी बॉडी उस तरह की बनती जाती है। तो इसका हमारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा असर होता है। पॉइंट नंबर 4, सेरेनिटी। आजकल आप न्यूज़ में और सोशल मीडिया साइट पे इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी देखते हो कि जिससे पता लगता है कि वो लोग कितने अशांत हैं। और वहीं जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं वो चाहे कितनी भी उनकी लाइफ में कितनी भी बुरी सी बुरी चीज़ें घटनाएं घट रही हो, वो शांत तरीके से लॉजिकली सोच के अपने दिमाग को यूज करके उस सिचुएशन को फेस करते हैं और अपनी लाइफ पे ग्रो 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 करते जाते हैं और बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ को मैनेज कर पाते हैं। आपने कभी ये नोटिस करा है, बिल गेट्स हो गया, मार्क जुकरबर्ग हो गया या फिर एलन मस्क हो गए, चाहे कितने से बड़े अमीर इंसान हो या फिर कितने से कितने बड़े सक्सेसफुल इंसान हो, उनको कभी आपने देखा है कि वो अपने किसी सोशल साइट पे जाके कुछ नेगेटिव किसी ने बोल दिया, उससे लड़ रहे हो, फाइट कर रहे हो? क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि वो टाइम वेस्ट करने के बराबर है, उससे बढ़िया कि मैं अपने ऊपर काम करूं और उसको ब्लेसिंग दूं, उस पर्सन को जो बंदा मेरे ऊपर कमेंट कर रहा है उस पे अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं, मैं क्यों अपनी सोच को वहां गलत जगह पे डायरेक्शन दूं। तो मैं आप सभी को ये रिक्वेस्ट करता हूं कि कहीं पे भी आपको कुछ नेगेटिव चीज़ें दिखें तो प्लीज़ प्लीज़, जब तक आपको लगे ना कि ये फैक्ट बिल्कुल राइट है या सही है आपके लॉजिक से पूरे रिसर्च करके, तभी उस पर एक्शन लें। और मैं ये हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी पे कि आप नेगेटिव चीज़ें से जितना ज़्यादा हो सके दूर रहें, जितना हो सके कि नेगेटिव पीपलों से बहुत ही ज़्यादा दूर से दूर रहें और नेगेटिव चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा उन्हें पढ़े ना, उन्हें सुने ना, उन पे अपना ध्यान और अपना फोकस ना ध्यान दे। मैं आशा करता हूँ आपको ये बुक की समरी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस बुक को अच्छे से पढ़ना है तो मैंने इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप इस बुक को वहां से भी बाय कर सकते हो। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि जब भी मेरी नई वीडियो आए आप लोगों तक उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू।